तो गाइस यार आज हम बात करने वाले हैं सोबिक डी के बारे में। इसके बारे में भाई बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, फिर भी अगर आपको वीडियो चाहिए इसका फुल वीडियो तो मैंने नीचे दे रखा है, बाकी आप बातें सुनो। एक भी जिंदा बच के गया ना, मैं बीजीएमआई खेलना छोड़ दूंगा। अरे हाँ ठीक है ठीक है। और रे भाई क्या ही डायलॉग मारा भाई, लव यू यार, मस्त डायलॉग था। अब देखते हैं भाई इसको पूरा कर पाते हैं या नहीं। फिलहाल नंबर वन पे ये है भाई, देखो पिस्तल से कैसे मारेगा। अरे भाई ओ भाई, इसका टीममेट शॉटगन लेके आया, एक बंदा नॉक, दूसरे बंदा अभी आ रहा है शॉटगन से, पीछे पड़ा है और ग्रास के कवर में इसको नॉक कर दिया। और रे भाई पिस्टल क्लच, इसके पास शॉटगन, अभी 1v4 करने वाले हैं सुबिक डी सर, 1v4 ग्रास के कवर के अंदर से इसको मारने की कोशिश करता हूं। जिससे अभी दो बंदे भाई क्या ही मारेंगे शॉटगन से, मजा ही आ जाएगा। बाकी के दो बंदे इसी बिल्डिंग में उतरे थे, अभी उधर से बंदे आ रहे हैं, उसको पता ही नहीं चलेगा कब आया अंदर कब गया। और रे भाई नाइस शॉट, एक बंदा हुआ और फिर से आएगा। ये देखो भाई भाई इसका जो मूवमेंट है ना गॉड लेवल का। और भाई एक इमोट तो बनता है। और हमारे जो नंबर टू पे आते हैं वो ये वाले सीन आते हैं, यहाँ पे दो स्क्वाड के बीच ऑलरेडी फाइट चल रही होती है। यहाँ पे भाई ने दिया फायरिंग 6x प्लस बैरल, और यहाँ पे भाई का एचपी देखो भाई यार 1 HP होगा शायद, 1 HP में इस बंदे को लपेटा, उसके बाद डायरेक्टली फिनिश। अब ऊपर जाएंगे भाई उसके बाद इस बंदे को निपटाएंगे, जब तक मैं अपने आप को हील करता। बस आप देखते रहिएगा, यहाँ पे दो स्क्वाड के बीच ऊपर हो रही है फाइट, और देखना भाई का थर्ड पार्टी, और यहाँ पे थर्ड पार्टी, यहाँ पे दो बंदे फिनिश, तीसरा बंदा फिनिश। अब सुनो भाई का डायलॉग, देखते ही देखते सारे बंदे खत्म होते हैं, फाइल के साथ बोलेंगे। और यहाँ पे मोट मोट मार के यहाँ से निकल लेते हैं। और ये सुनो पहले क्या बोल रहे हैं सोबिक डी सर, स्कूल अपार्टमेंट के ऊपर झंडा गाड़ दिया है, मैंने पहले ही बोला था ये वाले लॉबी में एक भी बंदा जिंदा बच के नहीं जाना। नंबर थर्ड पे निकल आता है ये वाला सीन, जहाँ पे ऑलरेडी एक ड्रॉप के बीच में तीन बंदे थे, जहाँ पे ये सोबिक डी सर जाते हैं, एक बंदे को नॉक किया और दूसरे को डैमेज दिया, और यहाँ पे ये बंदा भी नॉक, और उसके बाद तीसरा बंदा यहीं पे है थोड़ा सा दूर, और स्मोक करके एक बंदे को बचाने की कोशिश। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्मोक कर दिया होती है, लेकिन फिर भी इसके अंदर इसको फिनिश। और ये बंदे को देखना भाई क्या ही डैमेज दिया, लेकिन फिर भी नहीं हमारा, शायद लेवल 3 का बैग था। अब ये बंदा नॉक, और उसके बाद इसको फिनिश। अब जो इसका तीसरा बंदा उसके पास भी गुरुजा, और सोबिक सर के पास भी गुरुजा। अब गुरुजा वर्सेस गुरुजा होने वाला है, बस आप देखते रहिए। यहाँ पे जो एक बंदा है आगे गिली बाबा, और गिली बाबा को एक हेड लगा इस अभी, और ये तीन हेड ऑलरेडी लग चुका है, 1 HP का होगा शायद। कोशिश किया लेकिन सोबिक डी सर थोड़े से लिख चुक गए। अब उसके पास भी गुरुजा, इसके पास भी गुरुजा, अब होने वाला है 1v1 चैलेंज, गुरुजा वर्सेस गुरुजा। अब यहाँ पे थ्री फायर करता हूँ, बट बंदा यहाँ से नीचे भी जा, और भाई बंदे नीचे, अब नीचे से सोबिक डी के सर के ऊपर अभी रस करने वाले हैं। देखो कैसे भरते वो बंदे को, नीचे से आ रहे हैं, देखना जरा सा भी डैमेज नहीं होगा सोबिक डी सर को, एक जरा सा भी डैमेज नहीं होगा। देखो ये देखो ये देखो, अरे वाह। चौथे नंबर पे निकल कर आता है ये वाला सीन, जहाँ पे फुल स्क्वाड रश करने वाले हैं वही बंदे जो सोबिक डी सर को चैलेंज दिए थे। तो यहाँ पे देखो कैसे एक स्प्रे में दो बंदे नॉक, और ये गए और 1 HP का बचा है। और यहाँ से जाके सबसे पहले हील करेंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे हील करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और वही बंदा जो शुरुआती में दिखा था मम्मी सूट, उसके पास भी था वो हरियाणा कलर का, देखना उसको भी मारेंगे अभी, आएगा वो उजी लेके। और ये आया और ये गया भाई लोभी, ऑल पे सुनाई दे रहा है, क्या हो गया चैलेंज का। खैर यहाँ पे मेरा गुस्सा ऑल के थ्रू निकाल रहा था। 5 नंबर पे निकल के आते हैं ये वाले सीन, जो कि लास्ट के हैं। अरे भाई 25% उसका हेल्थ बचा हुआ था सोबिक डी सर का, लास्ट में जुआन दिया था चिकन डिनर, एक भी बंदा जिंदा नहीं आया। आई होप कि गाइस आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो भाई सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, और कमेंट में बताना अगला वीडियो किस पे चाहिए।